एक पुराना केस है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस का केस है। बेसिकली इसी बच्चे ने मुझे लैकेसिस सिखाई। आज वाली मेडिसिन है लैकेसिस, तो इसी बच्चे ने मुझे ये मेडिसिन सिखाई। ये 6 साल का एक बच्चा है, मेल चाइल्ड है, जिसको सीवियर चेस्ट इन्फेक्शन हो गई विद ब्रोंकाइटिस, साथ में कानों में दर्द बहुत बुरी तरह से, गला, कान, नाक बहुत बुरी तरह सब कुछ चोक हो गया उसका। और डॉक्टर्स ने उसको स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स दिए, फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर डॉक्टर्स ने उसका इनहेलर स्टार्ट कर दिया कि इसको इनहेलर देना पड़ेगा। जब पेरेंट्स को पता लगा कि ओहो इनहेलर देना है, फिर वो भागे भागे मेरे पास आए कि नहीं डॉक्टर साहब, हमने इनहेलर नहीं देना, प्लीज आप कोई ना कोई इसकी दवाई इसको दीजिए। तो 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, जितना मर्जी टाइम लगे, लेकिन हमने इनहेलर नहीं देना क्योंकि इससे प्रॉब्लम ठीक नहीं होती, बढ़ती ही है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसकी मदर ने बोलना शुरू किया, उन्होंने बताया बच्चे, क्योंकि बच्चा 6 साल का, जितने भी छोटे बच्चे होते हैं 6 साल के, पहले तो मैं उनके पेरेंट्स से ही पूछती हूँ कि बच्चे का स्वभाव कैसा है, बच्चे का बिहेवियर कैसा है, वो किस तरह की नेचर है उसकी। ये हमारे लिए सबको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बच्चे के मदर बोलते हैं कि ही इज अ वेरी रेस्टलेस चाइल्ड, बहुत शरारती है, बहुत ज्यादा बेचैन रहता है, हर वक्त टिकता ही नहीं है, हर वक्त बिजी रहता है, कुछ ना कुछ कर ही जाना कर ही जाना। बहुत तेजी है इसमें, जैसे एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें एनर्जी है, बहुत क्रिएटिव है और इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, झट से 2 मिनट में कैच कर लेता है कोई भी चीज। लेकिन ये बिल्कुल पढ़ता नहीं है, इसका दिल करता है कि मैं फर्स्ट भी चूक जाता है कई बार, पढ़ने को तो इसका बिल्कुल मन नहीं करता, बहुत इम्पेशेंट है, बस जो चीज चाहिए चाहिए चाहिए, बहुत क्विक है, बहुत तेज है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, यस हाइपर एक्टिव चाइल्ड। तो सुबह उठता है, नहाता है, तैयार होता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, इसको हमेशा होता है कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं, सुंदर वाले, जो कि लोग देखें, लोग नोटिस करें, अच्छे ब्रांडेड कपड़े। अभी 6 साल का बच्चा है ये, और कि मैं नाइस दिखूं, मेरी बिल्कुल भी टिकता नहीं है, यस फॉपिश, बिल्कुल भी टिकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे इसके दिमाग में इतने आइडियाज आते रहते हैं, इतने आइडियाज आते रहते हैं, ओवरफ्लो करते हैं कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, क्योंकि एनर्जी बहुत है, बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है, बातें करता रहता है, कभी किसी चीज के बारे में, कभी किसी चीज के बारे में। हमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है कि इसमें लिक्वेस्टी कैसी होती, कैसी बातें करता है, लेकिन जब कई बार पेशेंट्स आके बोलते हैं तो हम वो समझ नहीं पाते कि किस तरह से कैसे रूब्रिक ले हम। तो वो कहते कि इतना बोलता है, इतना बोलता है, यस लिक्वेस्टी, इतना बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है, बातें ही करता रहता है, क्वेश्चन ही पूछता रहता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इतना इनक्विजिटिव है, इनक्विजिटिव होता है जिज्ञासु, बहुत ज्यादा बातें करता है। ही वैल्यूज टाइम अलॉट, एंड इसकी मम्मी कहती है कि बहुत बार कहता है कि हमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, खुद इतना लापरवाह है लेकिन फिर भी टाइम नहीं वेस्ट करना, इसको लगता है कि टाइम ऐसे निकला जा रहा है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम इनसे अक्सर बच्चों से, बच्चों वाले, यस क्यूरियस बच्चों वाले, हम जितने भी केसेस होते हैं सब में हम डर बहुत ज्यादा जरूरी पूछते हैं, अंधेरे से डर, टीके से डर, कुत्तों से, बिल्लियों से, जानवरों से, शिपकलियों से, तो किस किस चीज से डर लगता है। इसमें जब मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि इसको कोई अंधेरे से डर नहीं लगता, ना ही कोई इंजेक्शन से भी, थोड़ा बहुत ऐसे नहीं है कि ये भागे, और बिल्कुल नहीं, लेकिन इसको ऊंचाइयों से डर लगता है,
टाइट जगह से डर लगता है। तो मैंने पूछा कि टाइट जगह से क्या डर क्या लगता है, तो उन्होंने बोला कि जैसे इसको लगता है जैसे सफोकेट हो गया, ये सफोकेशन हो गई। फिर मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में ये मेडिसिन चल रही थी कि ये मेडिसिन लग रही है, मैंने उनसे पूछा कि इसका भाई बहन के साथ कैसा रिश्ता है। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब अपनी बहन से प्यार तो बहुत करता है लेकिन उसे जेलसी बहुत करता है, अगर उसको एक चीज लेके दे दो तो इसको दो चाहिए, इतना ज्यादा इसको होता है कि मुझे दो चीजें चाहिए। यहां तक कि अगर किसी के बर्थडे पे जाता है तो गिफ्ट एक इसको चाहिए, एक जिसको देना है उसको चाहिए, नहीं तो ये गिफ्ट ही नहीं देगा उनको। So, इसको हमेशा यही होता है कि मुझे चाहिए, मेरे लिए गिफ्ट चाहिए। और इसके पास इतने खिलौने हैं, इसकी मदर ने बताया, इतने खिलौने, और फ्लॉन्ट करता है लोगों को, बच्चों को बताता है मेरे पास ये वाली कार है, रिमोट वाली कार है, मेरे पास गन है, ऐसे फ्लॉन्ट करता है कि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता। ये हमेशा अपने अपनी चीजें, बल्कि दूसरों की चीजें छीन के ले आएगा, लेकिन अपनी चीजें ये किसी को नहीं देता। जब ये गुस्से के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ गुस्सा कभी आ जाता है बहुत ज्यादा, लेकिन इतना नहीं है, लेकिन अपनी बहन के साथ ये बहुत लड़ता है और उसको उसकी पिटाई भी कर देता है, उसको थप्पड़ भी मार देता है। और जब पूछा कि ये अपने बुक्स को बैग को कितना सिम्टम्स होंगे, जो भी हमारे सिम्टम्स हमें लगेगा कि इसके साथ रिलेटेड है, हम वैसे वैसे क्वेश्चंस करेंगे। तो मैंने इनसे नेक्स्ट पूछा कि ये जब काम करता है तो इसकी बुक्स कॉपीज हैंडराइटिंग ये सब कुछ कैसा होता है। कहते जी काम का तो पूछो ही मत, इतना गंदा काम करता है, बहुत गंदा काम करता है, और इसको कभी एक जगह पे कांटा मार दिया, कभी दूसरी जगह पे, कभी कहीं कुछ लिख दिया, कभी कहीं लिख दिया, कभी कॉपी में कहीं लिख दिया, बिल्कुल कोई भी चीज ढंग से नहीं करता, बिल्कुल कुछ भी नहीं करता। खाना खाएगा तो खाना गिरा देगा इधर उधर, जो भी काम करता है हर चीज में ये टोटली गंदा काम करता है, बिल्कुल सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर स्कूल में या कोई मोहल्ले में इसने पार्ट लेना ही लेना है, कैओटिक, या तो इसने पार्ट लेना ही लेना है, पार्टिसिपेट करना ही है, और इसको होता है कि मैं ही फर्स्ट आऊं, मैं ही फर्स्ट आऊं, और जब ये फर्स्ट नहीं आता सेकंड आ जाए, फिर दूसरे का बोलेगा कि ओ लो ये तो ऐसे ही बस एक सेकंड में उसमें फर्स्ट आ गया, अदरवाइज तो मैं ही आने वाला था। इस तरह से ये अपनी ये जेलसी एनवी वो शो करता है, बहुत लड़ाका है, बहुत लड़ता है, और बस इतना केस है। इतने केस में कितने रूब्रिक्स बने, कितना ज्यादा इसमें सब कुछ आया, A to Z, जो लेकेसिस का है, जो इम्पोर्टेंट है। हालांकि सिर्फ मैं दो रूब्रिक के बेसिस के ऊपर उसको लेकेसिस दे सकती थी, मैंने दी, लेकिन उसके आगे आज की स्टडी के लिए इसके आगे हम और रूब्रिक्स की स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले उन्होंने बोला बहुत रेस्टलेस है, बहुत एनर्जी है, बहुत शरारती है, एक जगह पे बैठ ही नहीं सकता, बस मेरा तो यहां पर ही काम खत्म हो गया था। कोई रूब्रिक बताइए, एक रूब्रिक बताइए, कोई भी जो मुझे लगता है कि जो सीटिंग रन से बाउट, रन से बाउट, वर्जन, ओके, यस, सिटिंग वर्जन टू सिट या मैडम। सिटिंग इमोशन दिखता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दिखता, वेरी गुड,
बिल्कुल भी नहीं टिकता। सेट वर्शन में सिर्फ दो मेडिसिन है, लैकेसिस एंड आयोडम। आयोडम बिल्कुल इससे टोटली डिफरेंट है, लैकेसिस बिल्कुल डिफरेंट है। अब हम जब ये पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। शरारती बहुत है, मिसचीवस, शरारतें करनी। टिकता नहीं है, तेज बहुत है, क्रिएटिव बहुत है। एक्टिविटी डिजायर क्रिएटिव दोनों आ गई। हाइपर एक्टिव, हाइपर एक्टिव में 15-20 मेडिसिन हैं। एंड क्रिएटिव एक्टिविटी, एक्टिविटी डिजायर क्रिएटिव। बिजी फ्रूटलेसली, कोई काम धाम तो कोई ढंग से करना है नहीं, बट पूरा दिन ये ऐसा बच्चा है जो टिक नहीं सकता, टिक के बैठ नहीं सकता। यहां पर भी क्लिनिक में मैं बहुत सारे बच्चों को इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस के ऊपर के मेरे पास आए हैं, आके कभी एक चीज छेड़ी, कभी दूसरी चीज छेड़ी, कभी तीसरी चीज छेड़ी, कभी इधर है कभी उधर, एंड वेरी जॉली, बहुत खुश। ये नहीं है कि डॉक्टर से डरते हैं, बिल्कुल नहीं, टिकते नहीं है। इनमें एनर्जी बहुत ज्यादा है, एनर्जी अलॉट, फ्रिवलस, क्योंकि कोई भी काम इन्होंने ढंग से नहीं करना। चलो एक रूब्रिक बताइए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग वैसे बता देंगे कि ये कोई भी काम ढंग से कर ही नहीं सकता। लिख के बता दीजिए कि कोई भी काम, ये हैंडराइटिंग इतनी गंदी है, कभी इधर कांकरोड़ा मार दिए, कभी उधर से काट दिए, कभी उधर काट दिए, कभी पहले पेज पे, कभी चौथे पेज पे, हर जगह पे इसके कोई काम इसने ढंग से करना ही नहीं। बाय चांस अगर यहाँ पे कुछ पड़ा है, बाय चांस कोई रास्ते में कोई ग्लास पड़ा है या कोई भी चीज पड़ी है, नो नॉट केयरलेस, इसको हम केयरलेस नहीं लेंगे, कोई भी चीज पड़ी है तो उसको चीज को वो दिखती नहीं है, उसका पैर ही टकरा जाता है और वो चीज गिर जाती है। अभी डॉक्टर हरप्रीत ने लिखा, कैओटिक ऑर्डरली मैनर कैन नॉट परफॉर्म एनीथिंग इन अ, क्या इतना कैओटिक है उसका काम कि वो ढंग से कोई काम कर ही नहीं सकता। कैन नॉट परफॉर्म एनीथिंग इन अ ऑर्डरली मैनर, जैसे वो आर्सेनिक है ना, टोटली उसके ऑपोजिट। वो रेस्ट कैन नॉट अंटिल थिंग्स आर इन प्रॉपर ऑर्डर, ये प्रॉपर ऑर्डर में कुछ कर ही नहीं सकता। अगर यहां पे लैपटॉप पड़ा है तो पता नहीं उसका हाथ लग जाए और वो गिर जाए, यहां पे कोई चीज पड़ी है तो उसका हाथ लग जाए और गिर जाए, इस तरह का ये होता है। और ये मैंने हर लैकेसिस पेशेंट में ये देखा है। दो चीजें लैकेसिस पेशेंट में कभी नहीं भूलनी, नंबर वन वो टिकता नहीं है, सेट एवर्शन, नंबर टू कायोटिक ऑर्डरली मैनर कैन नॉट परफॉर्म एनीथिंग इन। ये चीजें तो लैकेसिस में मिलेंगी ही मिलेंगी। पर मेरे पास ऐसे ही वीट एलर्जी वाला बच्चा आया तो वो बहुत डर रहा था इंजेक्शन से, तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाएंगे इस तरह से, तो मैंने उसको हायोसेमस दी और कभी इधर घूम रहा है मेरे क्लिनिक में, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो मैंने कहा ये ऐसे डर क्यों रहा है इतना, कहते नहीं डॉक्टर साहब ये डरता है इंजेक्शन से। मैंने हायोसेमस दी लेकिन वो हायोसेमस था नहीं, इधर को हुआ तो मेरा यहां से पता नहीं पेन स्टैंड था वो गिरा दिया। जब वो 2-3 महीने के बाद आया तो मैंने उसका दोबारा केस लेके सेट एवर्शन टू करके, हाइपर एनर्जी करके, हाइपर एक्टिव करके, कैओटिक ऑर्डरली मैनर के अंदर परफॉर्म करके मैंने उसको लैकेसिस दी और वो बहुत अच्छा केस लैकेसिस से ठीक हुआ। 10-12 साल हो गए उसको ठीक हुए, अब भी वो उसके पेशेंट पेरेंट्स आते हैं और अब भी बिल्कुल वो साल बाद टेस्ट करवाते हैं, बिल्कुल ठीक है। सो ये दो चीजें बिल्कुल भी लैकेसिस के बारे में भूलनी नहीं है हमें। नो डाउट के और बहुत सारे सिम्टम्स हैं,
नेक्स्ट जो इसका लिया है, मैंने लिखा है लिया है एवर्शन टू स्टडी. इसका दिल करता है, ये बहुत कॉम्पिटिटिव होता है, इसका दिल करता है कि मैं फर्स्ट आऊं. वेरी कॉम्पिटिटिव. पहले जो हमारी रेपर्टरी थी उसमें कॉम्पिटिशन वर्ड यूज नहीं किया गया था, लेकिन अभी के रडार में कॉम्पिटिशन वाले रूब्रिक्स हैं, एम्बिशियस, कॉम्पिटिटिव, ऐसे ऐसे. तो ये कॉम्पिटिटिव बहुत होता है, लेकिन ये फ्रिवलस भी बहुत है, बहुत ज्यादा. यस, कैन नॉट परसिस्ट इन नथिंग. काम बहुत सारे शुरू कर लेने, लेकिन परसिस्टेंट ना, किसी कोई भी परसिस्टेंट नहीं है इसमें. अंडरटेक्स मेनी थिंग, परसीवर्स इन नथिंग. किसी चीज में परसीवरेंस नहीं है, बड़ी चीज, ये भी करना शुरू, वो भी कर लिया, सात चीजें शुरू कर ली, लेकिन बीच में सबकी सब छोड़ दी. फिर उसके बारे में हमने, उसके मम्मी ने बताया था कि वो ड्रेस बहुत अच्छी पहनता है, उसको ड्रेस होता है कि खूब अच्छा तैयार होके, दिस इज फॉपिश, कि दूसरे मुझे नोटिस करें मेरी बहुत अच्छी ड्रेस है, बहुत ज्यादा ब्रांडेड कपड़े पहने. सबसे ज्यादा ब्रांडेड कपड़े लैकेसिस एंड विरेटर मैनपम, ये दो लोग पहनते हैं, या बूस्टर ब्रेगर्ट. और उन्होंने उन्होंने बताया था कि इतना ज्यादा बोलता है कि पूछो मत. This is loquacity and inquisitive. हमारे पास दो रूब्रिक्स हैं, एक है लाइट डिजायर और दूसरा है इनक्विजिटिव. दोनों में क्या फर्क है? क्योंकि लाइट डिजायर में 3, 4, 5, 6 मीनिंग्स हैं लाइट डिजायर के. हल्का रहना चाहता है, रोशनी की जरूरत है, लाइट की जरूरत है, लेकिन साथ में नॉलेज की भी जरूरत है, ये भी उसका मीनिंग है. लेकिन इनक्विजिटिव वाला कैसा होता है? इनक्विजिटिव वाला होता है जिज्ञासु, जिसके क्वेश्चंस खत्म ही नहीं होते, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है, एक क्वेश्चन के बाद दूसरा. वो किसी और की स्टोरी जो इसका लैकेसिस का होता है, अगला क्वेश्चन, फिर और स्टोरी, फिर अगला क्वेश्चन, फिर और स्टोरी, इस तरह से. एंड उन्होंने बोला था कि इसको लगता है कि टाइम वेस्ट हो जा रहा है, सो टाइम फ्रिटर्स अवे, वेरी प्लेफुल. जब मैंने फियर्स पूछे तो इसमें फियर स्पेसिफिक है. स्पेशली देखो दो चीजें उन्होंने बताई, और तीन चीजें, तीनों चीजों के फियर्स इसमें हैं. फियर ऑफ हाई प्लेसेस, हाइट से बहुत डर लगता था, फियर ऑफ हाई प्लेसेस एंड फियर ऑफ नैरो प्लेसेस, जो डर रहता था. एंड उन्होंने बोला ही हैज फियर ऑफ रॉबर्स एज वेल, चोर उचक्कों से, रॉबर से डर लगता है, वो भी लैकेसिस पे है. लैकेसिस एक एनिमल मेडिसिन है. हमारे पास बेसिक तीन तरह की मेडिसिन है, वन इज प्लांट मेडिसिन, वन इज एनिमल मेडिसिन एंड अनदर वन इज मिनरल मेडिसिन. सो इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो हमें पता होना चाहिए, कि प्लांट्स किस तरह एक्ट करते हैं, एनिमल्स किस तरह एक्ट करते हैं एंड मिनरल्स किस तरह एक्ट करते हैं. अगर हम छोटा सा ब्रीफ इसमें इसके बारे में बात करें, जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं. क्यों सेंसिटिव होते हैं? क्योंकि प्लांट्स एक जगह पे फिक्स होते हैं, उन्होंने वहां पर ही सब कुछ सहना है, गर्मी भी, सर्दी भी, हवा भी, सब कुछ वहां पर, अंधेरी, बर्फ, सब कुछ वहां पर ही सहना है. बहुत ज्यादा ये सेंसिटिव होते हैं, जो प्लांट्स वाले लोग होते हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव, बहुत जल्दी हॉट हो जाते हैं, इस तरह के होते हैं. मुझे उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा क्यों बोला मुझे, उसने मुझे मेरे साथ ऐसा किया, उनकी बात इसी चीज के इर्द गिर्द घूमेंगी. लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कॉम्पिटिशन एंड जेलसी. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. एनिमल्स में क्या होता है? जो तकड़े वाला होता है वो सर्वाइव करता है. जानवरों में क्या होता है? जो तकड़े वाला होगा, होएगा, वही फीमेल के पास जा सकेगा. सो यहां पे कॉम्पिटिशन होता है, कॉम्पिटिशन
एंड जेलसी, बहुत ज्यादा जेलसी, हर तरह की जेलसी। अगर हम लेगेसी मेडिसिन को आज हम उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, अगर आप सो एनिमल्स में जेलसी एंड कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होगा। तीसरी चीज, मिनरल किंगडम, ये किस तरह के लोग होते हैं? ये बहुत सिस्टेमेटिक, जैसे मिनरल्स में, जैसे पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट को प्रॉपर ढंग से प्रॉपर नंबर के अकॉर्डिंगली सेट किया होता है, इसी तरह ये लोग भी होते हैं। दे आर यस स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज्ड, आपके पास भी आएंगे, टाइम लेकर आएंगे, आपके पास आएंगे, प्रॉपर मेंटेन करके अपना रिकॉर्ड डेट वाइज लेके आएंगे। और ये लेकेसिस वाले हमारे सामने लाके बखेर देंगे, ये लोग ही चेक कर लो। मैं बहुत बार देखती हूँ, मैं कहती हूँ वो इनको ठीक ढंग से तो रखो। सो जो मिनरल्स होंगे वो वेल ऑर्गेनाइज्ड, उनका घर बिल्कुल सेट होगा, उनका काम बिल्कुल टू द पॉइंट, हर चीज ऑर्गेनाइज्ड, कपड़े पहने तो भी ऑर्गेनाइज्ड। इस तरह से हम इन लोगों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल रेपर्टरीज में अगर हमने उनको सेपरेट भी करना है कि हमें मिनरल वाली मेडिसिन या एलिमेंट कोई चाहिए, तो वो भी रडार में या कारा में हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि ये तो पक्का एनिमल है या ये तो पक्का ही मिनरल है, तो उस तरह से भी हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। फिर उन्होंने आगे बताया कि इसको गुस्सा आ जाता है, गुस्सा कई बार वायलेंट बहुत होता है और अपनी सिस्टर को भी मार देता है। अब बात आती है इसके जेलस वाले फैक्टर की, कि अपनी चीजें ये किसी को इसके साथ शेयर नहीं करता। और इन्होंने देखो एक चीज बताई थी मुझे कि डॉक्टर साहब कभी भी किसी का बर्थडे होता है तो ये एक गिफ्ट इसको चाहिए, एक गिफ्ट उसके लिए जिसका बर्थडे है। इसमें एक बहुत अच्छा रूब्रिक है, गिफ्ट हस्बैंड डू नॉट गिव गिफ्ट टू वाइफ, इस तरह का गिफ्ट के नीचे है गिफ्ट कभी देखती, चलो अभी बाद में करते हैं। So, ये कभी भी किसी को गिफ्ट नहीं दे सकता, कभी ये हस्बैंड जो होते हैं लेकेसिस वाले, ये अपने वाइफ को कभी भी गिफ्ट नहीं देते, ना अपने बच्चे को कभी गिफ्ट देते हैं। ये भी इसी तरह का ही है। मैंने इस गिफ्ट के बेसिस के ऊपर 5-6 पेशेंट्स को दवाई दी है जो बच्चे कभी किसी को गिफ्ट नहीं देते। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आया, बिल्कुल बच्चा ऐसा ही हाइपर एक्टिव, बहुत ज्यादा टिका नहीं, शरारतें करनी, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब हर संडे को इसको एक गिफ्ट चाहिए। मैंने कहा जी वो क्यों, कहते बस ऐसे ही बनाया हुआ गिफ्ट चाहिए। तो बस गेस्ट आ गए तो या माय गिफ्ट टू हिज वाइफ और सन, हस्बैंड डज नॉट गिव। तो हमारे घर में कोई गेस्ट आ गए तो हम इसको संडे को बाजार जा नहीं, लेके जा नहीं सके। तो अब ये कह रहा है, अभी बोल रहा था कि मेरे 2 गिफ्ट ड्यू हो गए, आपने जो दिया नहीं है ये मत सोचना कि अगले संडे लेने हैं तो मैं एक लूंगा। तो ये इस नेक्स्ट इन्होंने बताया कि कभी भी अपनी चीजें शेयर नहीं करता, एंड इफ ही गेट्स लेसर इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल। दूसरा, इसमें जेलसी बहुत है, एनवी एट द क्वालिटीज ऑफ अदर्स। जेलसी और एनवी में क्या फर्क है? बहुत बार लगता है कि बहुत सेम जैसे सिम्टम्स हैं, लेकिन सेम नहीं है, दोनों में फर्क है। एक घटना से पहले की बात है, एक बाद की बात है। जेलसी हमें कब होती है? जब हमारे पास कोई चीज है
और हमें ये डर लगता है कि कोई दूसरा हमसे हमारी चीज छीन ना ले। जैसे बच्चे को लगता है कि ये मेरी माँ है, मेरी माँ मुझे प्यार करती है, मुझे ज्यादा प्यार करे, कहीं मेरे हिस्से का प्यार मेरा भाई ना ले ले। ये जेलसी होती है। एक जेलसी का एक रूब्रिक भी है ना, व्हेन न्यूबॉर्न कम्स इन द हाउस, जेलसी, जेलसी इन चिल्ड्रन। जब घर में बच्चा आया तो दूसरा बच्चा जो उससे बहुत जेलसी करता है कि सारा घर इसी को ही अटेंड कर रहा है, मेरी तरफ तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जेलसी व्हेन अ न्यूबॉर्न बेबी कम्स इन द हाउस एंड द सारे घर की अटेंशन एंड टेक्स द अटेंशन ऑफ द हाउस। इसमें इग्नेशिया एंड हायोसेमस दो मेडिसिन है, वो दोनों भी मैंने बहुत बार इस्तेमाल की है। तो जेलसी होती है कि जो मेरे पास चीज है आज मेरे पास है, कहीं वो छीन ना ले कोई। एनवी क्या होता है? वो मुझे चाहिए, मेरे पास नहीं है, लेकिन उसके पास क्यों है वो? वहां पे एनवी होता है। दूसरे में क्वालिटी है कि वो बहुत सहनशील है, बहुत ज्यादा पेशेंस है, तो इसको लगता है कि उसमें इतनी पेशेंस क्यों है, मुझ में क्यों नहीं है। इस तरह से जेलसी में कुछ खो जाने का डर होता है, लेकिन एनवी में होता है कि दूसरे के पास वो चीज क्यों है, वो मेरे पास क्यों नहीं है। एनवी एट द क्वालिटी ऑफ क्वालिटीज ऑफ अदर्स, दूसरों की क्वालिटीज के लिए कि दूसरों के पास उसके पास ये सब कुछ क्यों। फाइट डिजायर, पहले ये रूब्रिक एक नहीं हुआ करता था इसमें एक्टिविटी डिजायर क्रिएटिव, तो अब इसमें एक नया ये रूब्रिक भी जुड़ गया है। सो जब ये पेशेंट को मैंने सारा देख के बहुत इंटेलिजेंट, फुल ऑफ आइडियाज, क्रिएटिव माइंड, बैठ नहीं सकता, टिक नहीं सकता, कुछ भी ढंग से परफॉर्म नहीं कर सकता, जेलसी, इतना सब कुछ होने के साथ ये मतलब ही नहीं है कि लेकेसिस इस पे काम नहीं करेगी। तो मैंने लेकेसिस दी 31 डोज और एक ही हफ्ते में वो बहुत बेटर फील हुआ, बहुत ज्यादा बेटर, कि जो ब्रोंकाइटिस था, जो उसका गला कान सब कुछ दर्द कर रहा था, वो उनको लगा कि ये तो बहुत ठीक हो गया जस्ट विद वन डोज। इन नेक्स्ट फ्यू डेज ही वाज परफेक्टली वेल, और बिल्कुल भी उसको इनहेलर नहीं दिए, बिल्कुल भी एंटीबायोटिक्स नहीं दिए। इस केस को 15 साल ही बीत गए, कभी भी मुड़ के कोई भी गले के साथ रिलेटेड, कोई चेस्ट के साथ कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये एक प्योर लैकेसिस पेशेंट था, मैं आज भी इनको जानती हूं, प्योर लैकेसिस पेशेंट था। आज भी ये उतना ही इंटेलिजेंट है, आज भी ये उतना ही क्लेवर है, आज भी इसमें उतनी एनर्जी है, लेकिन सारे काम अनटाइडी थी, हैंडराइटिंग सुंदर नहीं है, तैयार होने का अच्छे अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स पहनने। अगर हम इसका डीडी करते हैं आयोडम के साथ सेट वर्शन में, तो आयोडम जो है वो हॉटेस्ट पेशेंट है हमारी रेपर्टरी में, हमारी बुक में, हमारे मटेरिया मेडिका में। बहुत पतला होता है, बहुत खाता है, लेकिन कुछ लगता ही नहीं है। उसमें मॉर्बिड इंपल्सिस बहुत है कि वो टिकता नहीं है। इस सेट एवर्शन टू क्यों है? क्योंकि मॉर्बिड इंपल्स है, भागा फिरता है, और उसके सारे सिम्टम्स जो हैं वो खाने से एम्यूलरेट होते हैं। सो ये तो एक हिस्सा था लेकेसिस का। एक और केस ऐसे ही करते हैं, ये एक मदर मेरे पास आई, उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे को पता नहीं क्या क्या, हमें प्रॉब्लम्स तो याद भूल जाती हैं बहुत बार, लेकिन सिम्टम्स सारे अदरवाइज याद रह जाते हैं। तो शायद इसको भी गले की प्रॉब्लम थी, हाँ कुछ दिनों के बाद ही गला खराब हो जाता था, यस यही प्रॉब्लम थी। और उसके मदर उसको आर्सेनिक अक्सर दिया करते थे,
तो जब मेरे पास आए तो मैंने कहा जी बोलिए। उन्होंने बोलना शुरू किया, कहते डॉक्टर साहब सारा दिन खेल ही जाता है, खेल ही जाता है, सारा दिन खेल ही जाना, पढ़ने को तो बोलो ही मत। और सीधे डायरेक्ट रूब्रिक्स हम लगा सकते हैं, प्लेफुल, प्ले डिजायर। पहले ये दो रूब्रिक्स भी डिफरेंट थे, प्लेफुल अलग था, प्ले डिजायर अलग था, लेकिन बहुत सारी रेपर्टरीज में बहुत मिक्सिंग हो गई है, तो कई रूब्रिक्स इकट्ठे हो गए, कई रूब्रिक डिलीट हो गए, कई रूब्रिक्स हटा दिए गए। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि पढ़ता बिल्कुल नहीं है, रीडिंग एवर्स टू, प्लेफुल, बड़ी सारी इसको चीजें चाहिए, इसने ड्राइंग भी करनी है, इसने टॉयज भी बनाने हैं, इसने ब्लॉक्स बनाने हैं, सारी चीजें शुरू कर लेगा, लेकिन को कुछ भी खत्म नहीं करता, खलारा डाल के बैठ जाएगा, बखेरा डालने का, अंडरटेक्स मैनी थिंग्स, परसीवर्स इन नथिंग। ये ऐसी चीजें हैं जो हमें लैकेसिस में मिलेंगी ही मिलेंगी, जिस तरह हमने पहले कार्सिनो की थी, उस तरह ये लैकेसिस में ये चीजें होंगी ही होंगी। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि इतनी सबकी वो रीस लगाता है, सबके पीछे बोलता है, किसी को हर एक को इमिटेट करता है, दादी जैसे बोलते हैं उनको भी इमिटेट करता है। सो दिस इज इमिटेशन मिमिक्री। और जेलस, जेलस तो इसमें कूट कूट के भरा हुआ है, इसको भी ऐसे ही है कि ये चाहिए वो, इतने टॉयज हैं, इतने टॉयज हैं कि पूछो मत, फिर भी हर वक्त और टॉय चाहिए। गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, यहां तक कि ये हमें भी कई बार गुस्से में बहुत गलत बातें बोल जाता है। एब्यूसिव, इंसल्टिंग, चिल्ड्रन इंसल्ट पेरेंट्स, इसमें हायोसेमस भी है, इसमें लाइकोपोडियम भी है। चिल्ड्रन इंसल्टिंग पेरेंट्स, चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स की इंसल्ट कर देते हैं, इस तरह के ये बच्चे होते हैं। और उन्होंने बताया कि बहुत लड़ाका है, अगर हम सिर्फ ब्रॉड ब्रॉड रूब्रिक्स भी लें तब भी लैकेसिस आएगी, बहुत लड़ाका, हर एक के साथ लड़ता है, क्वारलसम। कहता डॉक्टर साहब, उसकी मदर ने बोला कि डॉक्टर साहब इसको ना अपने दोस्तों की चीजें चोरी करने का बड़ा है, कभी किसी की चीज उठा के ले आएगा, कभी किसी की चीज उठा के ले आएगा। यहां पे आता है क्लेप्टोमेनिया, जरूरत नहीं है उस चीज की, लेकिन फिर भी उठा लेंगे, चोरी कर लेंगे दूसरे की चीज। ये नहीं है कि उसके पास चीजों की कमी है, या जरूरत है, या नीड है। क्लेप्टोमेनिया में नीड का कोई मतलब नहीं है, एक पागलपन है कि वो दूसरे की चीज अच्छी लग रही है, चुरा उठा। ये एक माँ बता रही है कि मेरा बच्चा ऐसा है। एनर्जी बहुत ही ज्यादा, और सियाना सियाना होते जो प्रिकॉसिटी जैसे कि अपनी एज से या अपनी एज से ज्यादा मैच्योर होना, लैकेसिस ऐसा ही होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, हायोसेमस भी, पल्स भी, लाइको भी, सल्फर भी, जो अपनी एज से ज्यादा मैच्योर होते हैं। ये हम कैसे जानेंगे कि ये बच्चा, यस प्रिकॉसिटी, कि ये बच्चा कैसे, किस तरह से जानेंगे? तो बहुत बार पेरेंट्स आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कई बार बातें चल रही होती हैं, हम इससे कुछ पूछते तो इतनी सियानी बात करते, इतनी इंटेलिजेंस वाली बात करते हैं, तो देखते रह जाते कि ये इसने 6 साल वाले बच्चे ने की ये बात। सो इस तरह की मेच्योरिटी होती है इन बच्चों में, चाहे शरारती है, चाहे बहुत डिस्ट्रक्टिव है, बहुत मिसचीवियस है, बहुत ज्यादा तोड़फोड़ करता है, लेकिन होता प्रिकॉसिटी है, सियाना है। हमारे पंजाबी में तो उसको सियाना बोलते हैं, जो ज्यादा अपनी एज से ज्यादा मैच्योर हो, 6 साल का है लेकिन 12 साल के बच्चे जितनी इंटेलिजेंस रखता है। तो जब इन्होंने
और भी बहुत सारे रूब्रिक्स हैं जो डाले. इन्होंने एक बात और बताई मुझे कि डॉक्टर साहब इसमें सेक्सुअल इम्पल्स बहुत ज्यादा है. अभी ये जिस सेकंड केस की मैं बात कर रही हूँ, ये ऑलमोस्ट आठ साल का बच्चा है और कहते मुझे चिपक चिपक के बैठेगा मेरे साथ, क्योंकि घर में औरतों कोई है नहीं, मेरे साथ चिपक चिपक के बैठेगा और बड़ी बुरी बुरी हरकतें करता है. मतलब मैं तो उसको पीछे दिखे देती हूँ, चलो उधर जाके बैठ. ये सब भी ल्यूड, लस्सीवियस, ये सारे बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एनिमल कैरेक्टर्स हैं, इसलिए ये एनिमल मेडिसिन में है. ये उसकी मदर ने मुझे बताया और मैं हैरान रह गई कि जितने मैंने 12-15 रूब्रिक्स डाले सारे के सारे उसके थे और एक भी रूब्रिक ऐसा नहीं था जो कि उस बच्चे में ना होता. लेसीवियस, ल्यूड, ऑब्सीन, अमेटिवनेस, एमोरस, ये सब कुछ जितने भी सेक्सुअल उसके साथ रिलेटेड रूब्रिक्स है सारे के सारे इसमें थे. अगर हम दोनों केसेस में और चीजों की बात करें, इसमें एम्यूजमेंट डिजायर होता है, ये सब कुछ क्यों करता है, इतना सारा भागा दौड़ा क्यों रहता है, बिकॉज ऑफ एम्यूजमेंट, कि इसको मन परचावे के लिए, मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ इसको करना है. एम्यूजमेंट होती है कुछ ना कुछ, कुछ मनोरंजन के कुछ करने, कुछ क्रिएटिव करने. ये कभी भी क्रिएटिव चीजें ढंग से नहीं करता. जैसे कार्सिनोसिन में हमने पढ़ा था कि बहुत ज्यादा सलीके से हर चीज करनी. मैंने एक पेशेंट बताया था जिसकी पेंटिंग्स बहुत जबरदस्त थी, हर चीज परफेक्शन में. इसमें परफेक्शन नहीं है. पहले इसमें आज मैं पढ़ रही थी तो लेकेसिस में फास्टिडियस में ऐड किया हुआ है लेकेसिस को. पहले किसी भी रेपोट्री में फास्टिडियस नहीं है, लेकिन मैंने तो कभी भी लेकेसिस को अपनी क्लिनिकल सिम्टम्स में कभी भी नहीं पाया कि ये लेकेसिस में फास्टिडियसनेस है, ये फ्रिवलस है, कोई भी ढंग से काम नहीं कर सकता. चाहे आर्टिस्टिक इसको चीजें करना, क्रिएटिव करना अच्छा लगता है, डिजायर है, लेकिन फिर भी वो ढंग से नहीं करता जिस ढंग से कार्सिनोसिन करता है या और जो 10 मेडिसिन है. फास्फोरस है, मैंने फास्फोरस को कई बार यूज किया है आर्टेबिलिटी में, सल्फर को इस्तेमाल किया है, वो बहुत अच्छे ढंग से काम करते हैं, लेकिन इसका काम कभी भी अच्छा नहीं होगा. एंगर विद जेलसी, एंगर व्हेन टच्ड, इसका एम्बिशन बहुत ज्यादा होता है. किस चीज के लिए होता है? वेरी एम्बिशियस, कॉम्पिटिटिव फॉर फेम, के सारे बच्चे जाने के मैं फर्स्ट आया हूं, मेरा नाम सब जाने. जब ये बच्चे की भी हमने बात की तो इसको था कि मैं ही फर्स्ट आऊं, कि लोग मुझे जाने कि मैं हूं, मैं फर्स्ट आया हूं. इस तरह का एम्बिशन होता है, इंक्रीज फॉर फेम. इसमें मनी मनी वाला कोई चक्कर नहीं है जैसे और मेडिसिंस में है. एम्बिशन इंक्रीज कॉम्पिटिटिव, ये भी एक नया रूब्रिक है. एंड फॉर फेम, ये तो पुराने वाला ही है. इसमें एंग्जाइटी वाले बहुत रूब्रिक हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं. अगर इसमें कुछ अच्छे रूब्रिक्स की बात करें तो ये नहीं है कि इसमें अच्छे नहीं है, बेनेवोलेंस है. अपना तो काम करना, दूसरों की भी मदद करता है. इसमें वेनरेशन है, किसी की बहुत ज्यादा उपासना करनी, पूजा करनी, यहां तक का इसमें इसका कैरेक्टर है. हमें हर मेडिसिन में कुछ अच्छे कुछ बुरे कैरेक्टर्स मिलेंगे. कोई भी स्टेज कहीं भी आ सकती है. जरूरी नहीं है कि एक स्टेज है. बहुत बार डॉक्टर्स पूछते हैं कि ये ऑपोजिट स्टेट, उसमें तो ऐसे है तो ये कैसे हो सकता है. तो सब कुछ पॉसिबल है. अगर लाइट डिजायर है तो लाइट शंस भी उसी मेडिसिन में है, सेंसिटिव टू लाइट भी उसी मेडिसिन में है. हो सकता है वो किसी भी डिफरेंट स्टेज
में आ सकते हैं। इसमें वेनरेशन है, बहुत बड़ा रूपिक है, बहुत जबरदस्त है, किसी की उपासना करनी, किसी की रेवरेंस से भी ऊपर रेवरेंस, रेवरेंस होती है दूसरे का आदर मान करना, उससे भी ऊपर वेनरेशन। बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत करेजियस है, कम्युनिकेटिव, वेरी इंक्विजिटिव, लेकिन बहुत कनिंग है, बहुत कनिंग, दूसरों को तंग करके, क्रुएलिटी करके बड़ा मजा आता है, डिसीटफुल है, धोखेबाज है, फ्रॉडुलेंट है, दूसरों के साथ फ्रॉड करना। इच्छाएं कितनी है? डिजायर्स बहुत ही ज्यादा। एक मेडिसिन है इपिकॉक, जिसमें बहुत ज्यादा डिजायर्स है, इतनी ज्यादा इनडेफिनेट डिजायर्स, फुल ऑफ, इसमें भी ऐसी है, डिजायर्स फुल ऑफ डिजायर्स इनडेफिनेट, बहुत ही ज्यादा। एंड डिसकंटेंटेड विद एवरीथिंग, हर चीज के साथ डिसकंटेंटेड, सेटिस्फाइड है ये, टोटली इम्पेशिएंट पर्सन। आज हम सिर्फ बच्चे के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि बच्चे किस तरह के होते हैं, बड़ों में भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन थोड़ी डिफरेंट वे में। ये हर वक्त दूसरे भाई बहन की कंप्लेंट करता रहता है, कंप्लेनिंग एंड लेमेंटिंग, कंप्लेंट करना कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे टच किया, इसके टच वाले बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, उसने मुझे छेड़ा, रोना कि उसने मुझे तंग किया, बहुत ज्यादा तंग करना, मैलिशियस, प्लेज डर्टी ट्रिक्स ऑन टीचर्स, स्कूल बॉयज, ऑन अदर्स, दूसरों के ऊपर बुरे बुरे डर्टी ट्रिक्स प्ले करना। जैसे टीचर लिख रहा है क्लास में, टीचर का मुंह ब्लैक बोर्ड की तरफ है, बच्चा लैकेसिस पीछे बैठा है, टीचर के सिर के ऊपर इसने चौक मार देना है, ये डर्टी ट्रिक है। टीचर ने जिस चेयर के ऊपर बैठना है उस चेयर के ऊपर कुछ ऐसी चीज रख देनी, ये डर्टी ट्रिक है। तो इस तरह के डर्टी ट्रिक्स ये बिल्कुल मॉडर्न फीलिंग्स, मॉरल्स तो इसको होते ही नहीं है, ना एलिगेंस है ना मॉरल्स है। और करता क्या है? मॉकिंग, मजाक उड़ाना, सटायर, व्यंग कसना दूसरे के ऊपर, इस तरह का होता है। स्लैंडर डिस्पोजिशन टू दूसरे की, हमारे तो पंजाबी में इसको कहते हैं कि एक दूजे की पंडी करना, उसकी बेइज्जती कर देना, स्लैंडर डिस्पोजिशन टू, जेलस, पैशन टू रिडिक्यूल, दूसरे को छोटा बना देना, और खुद के लिए इतना ज्यादा ईगोटिज्म, स्पीकिंग ऑलवेज अबाउट देमसेल्व्स, हमेशा अपने बारे में, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, इस तरह से। विकेड डिस्पोजिशन, बहुत ज्यादा बुरे किस्म का विकेड डिस्पोजिशन। और अगर केयर्स की बात करें कि घर वालों की केयर, यस, cares full of about other, cares full of relatives about. एक बीच में किसी ने लिखा था carefulness for something. Careful हम लेते हैं कि जब कोई बंदा ढंग से काम करता है तो उसको careful लेते हैं। जब कोई ढंग से काम नहीं करता तो careless होता है। Childish behavior, boaster, रिच विशेस टू बी कंसिडर्ड एज रिच, के मुझे सब लोग, फुकरापन, दिखावा, ओपरा दिखावा, के मुझे सब अमीर समझे, तभी तो वो इतने ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, के फुकरापन है, फॉपिश है, शोई है, कि लोग मुझे नोटिस करें, लोग मुझे देखें, लोग मुझे अमीर समझे। कॉवर्ड
डिल्यूजन्स तो बहुत ही ज्यादा हैं, उनमें हम नहीं जाएंगे. डिजायर्स कर ली, डिस्ट्रक्टिवनेस, डिक्टेटोरियल, डिसोबीडियंस, डिसऑनेस्ट. यस, डिसऑनेस्ट है, बेईमान, बिल्कुल ईमानदार नहीं है. ईगोटिज्म इज इन चिल्ड्रन, ड्यूटी नो सेंस ऑफ, बिल्कुल भी ड्यूटी की कोई सेंस नहीं है. इसमें एस्ट्रेंज भी है और फोरसेकन भी, दोनों रूब्रिक्स है. फियर्स बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा. फ्लैटरिंग, सिड्यूसिंग बिहेवियर इन चिल्ड्रन, फीलिंग टू बी सिक, वॉयलेंट, या फीलिंग टू बी सिक. फीलिंग सिक क्या होता है? पेशेंट अपनी बीमारी को बढ़ा चढ़ा के बताता है. बढ़ाना चढ़ाना कैसे? दिखावा करना. उसको बुखार तो 100 चढ़ा है, 100 तक हो, लेकिन शो ऐसे करेगा जैसे 104 हो गया, इतना ज्यादा. या दूसरे, जब दूसरा आता है तो नाटक करना शुरू कर देना. ये नहीं कि यस, नौटंकी करना. डॉक्टर मनोज ने बिल्कुल ठीक लिखा है, नौटंकी करना. ये नहीं कि बुखार नहीं है, बुखार है लेकिन थोड़ा सा है. ये इस तरह का होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इतनी बढ़ा चढ़ा के. डिफरेंस इन कॉन्शाइंटियस एंड केयरफुलनेस. अगर हम फास्टिडियस लेते हैं, फास्टिडियस के ऊपर का जो वर्ड है दैट इज कॉन्शाइंटियस. केयरफुलनेस होता है कि कोई भी काम जो हम करते हैं वो ध्यान से करना, केयरफुल होके करना. कॉशियस होता है कि उसका ध्यान रखें. अभी मौसम चेंज होने वाला है तो पहले ही हम उसका ध्यान रखें, पहले ही हम खुद को ठंडा पानी ना पिए, गले को बचा के रखें, वो कॉशियस होता है. केयरफुल होता है कि जो हम काम करते हैं, जैसे बच्चा जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो मम्मी कहती है बेटा ध्यान से चलाना. वो कहती है कि केयरफुल रहना है, कि ऐसी गिर गुर मत जाना. जब सड़क पे, जब आप मोड़ पे जाओगे तो रिंग टिंग टिंग करना, अपनी बेल बजाना उसकी. ये केयरफुल होने के लिए कहती है. इस तरह से छोटे छोटे इन चीजों से डिफरेंस होता है. केयरफुल में वो केयरफुली काम करना, कुछ भी करना. कॉशियस में पहले ही कॉशन, पहले ही ध्यान रखना. इस तरह से. सो फीलिंग फॉर्म गॉसिप, गॉसिपिंग, दूसरों की बातें करनी. हेट्रड, हेट्रड एंड रिवेंजफुल, बहुत ज्यादा नफरत से भरा हुआ. वेरी हॉटी. इनिशिएटिव लैक ऑफ, इंटेलिजेंट है बहुत इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट चिल्ड्रन. जेलसी के ओहो कितने रूब्रिक्स हैं. जेलसी brutal from jealousy, gentle husband becoming jealousy in children, jealousy to a crime, drunkenness, insane, irresistible, as foolish as it is, kill driving to, itni jealousy marne tak hota rehta hai. From love disappointed, loquacity with rage, bahut sare aur, striking his wife driving to, itni jealousy ki apni wife ko strike kar deta hai, maar diya. Kill desire tak, always late, lewd. मुझे लगता है कि we have done almost everything जो main main इन बच्चों में होती है. Yeah. Very quick to act, जो हमने hyperactive भी किया है. Hyperactive, energy too much and quick to act. Runs about, भागा फिरता है. So this is all about lachesis. मुझे लगता है कि काफी सारे हो गए हैं अभी भी, क्योंकि ये polycrest medicine है, बहुत सारे rubrics अभी भी हम जोड़ सकते हैं इसमें. तो या delusion charmed, not charged, charmed, या cannot break the spell off. इसमें होता है कि कोई किसी के प्रभाव के नीचे इतनी बुरी तरह से आ जाता है,
कि वो उसका प्रभाव तोड़ नहीं सकता, कैन नॉट ब्रेक द स्पेल ऑफ। ये हम अक्सर उन लोगों में लेते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं कि मुझे उसको भूत प्रेत चिपक भूत प्रेत उसको चिपक गए, तो वो इस तरह से उसके प्रभाव के नीचे आ जाते हैं। चार्म्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ दोस गोस्ट और दोस स्पिरिट और दोस स्पेक्टर्स, उन चीजों के अंडर इतने प्रभाव के नीचे आ जाते हैं कि वो स्पेल उसका तोड़ नहीं सकते, उससे बाहर नहीं निकल सकते। इसमें सिंगुलर है। और बहुत बार हम उन लोगों में लेते हैं जिनमें भूत प्रेत चिमड़े होते हैं उनको, और दे कैन नॉट ब्रेक द स्पेल, उनको दवाई की जरूरत होती है, वो उसके प्रभाव में आ जाते हैं, ज्यादा माया जाल में आ जाना। यस डॉक्टर मनोज, और अभी किसी ने पूछा है एडल्ट्रस क्या होता है। एडल्ट्रस होता है जब अपने जो हम डिक्शनरी मीनिंग जब लेते हैं तो जो एक स्पाउस के अपने स्पाउस के होते किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन सेक्सुअल रिलेशन कायम करता है। लेकिन हम होम्योपैथी में इसमें कुछ और तरीके से इसको मेटाफोरिकली यूज करते हैं कि जब एक चीज के होते हुए दूसरी चीज बंदा इस्तेमाल करते हैं जिनकी मिक्सिंग अच्छी नहीं होती। जैसे आप होम्योपैथी ले रहे हो और बीच में वो बंदा एलोपैथी भी ले रहा है, बीच में वो बंदा आयुर्वेदिक भी ले रहा है, तो बहुत सारे डॉक्टर्स वहां पे इस तरह से एडल्ट्रस को यूज करते हैं। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं डायरेक्ट रूब्रिक्स इस्तेमाल करूँ और मैं मेटाफर्स बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, वो ही करती हूँ जो पूरे कन्फर्म्ड होते हैं और जो मुझे लगता है कि मेरे ब्रेन में वो रजिस्टर करते हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो हर बात का मेटाफर बनाते हैं, इतने मेटाफर्स की जरूरत नहीं है। जो रूब्रिक्स हम डायरेक्टली ले सकते हैं हमें वो डायरेक्ट लेने चाहिए, और मुझे लगता है कि डायरेक्ट रूब्रिक लेने से हमें रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे मिलते हैं। सो एडल्ट्रस का अदरवाइज तो यही मीनिंग है कि अपने हस्बैंड के होते हुए या अपनी वाइफ के होते हुए किसी दूसरे के साथ आप सेक्सुअल रिलेशंस कायम करते हैं उसको कहते हैं। तो आज की मैम सिटिंग वर्जन टू सिट और इम्पेल्ड टच टू एवरीथिंग, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बता दें क्लिनिकली। सिटिंग एवर्शन टू, मैंने तो वही बोला कि मैं तो सीधा ही लेती हूँ सिट एवर्शन टू। बच्चा यहाँ आया है बैठ ही नहीं रहा, टिकता ही नहीं है, बैठ सकता ही नहीं है। और इम्पेल्ड टू टच एवरीथिंग कि हर चीज को उसने हाथ लगाना ही लगाना है, हर चीज को हाथ लगाना है, हर चीज को टच करना है। इम्पेल्ड टू टच एवरीथिंग, एक बच्चा है कि सिर्फ देख रहा है चीजों को, वहां पे हम इम्पेल्ड टच नहीं लगाएंगे। जहां पे उसने अच्छा सा एक, जैसे मेरे पास ये एक बहुत सुंदर सा पेपर वेट है, अक्सर बच्चे आके इस पेपर वेट को पकड़ते हैं, इसको हमेशा टच करते हैं, इसको देखते हैं क्योंकि ये अट्रैक्टिव है। इस तरह से जो भी बच्चों को चीज अट्रैक्टिव लगती है वो उसको उठा लेते हैं, उसको उठा के दिस इज इम्पेल्ड टू टच। दूसरी चीज उनको लगी कि ये बहुत अच्छा है, ये पेन बहुत अच्छा है, वो उसको उठा लेते हैं, दिस इज इम्पेल्ड टू टच एवरीथिंग। हर चीज इम्पेल्ड कंपेल्ड की तरह ही हम यूज करेंगे, और हर चीज को टच करना। सिट एवर्शन तो सीधा ही है, डायरेक्ट ही लगाओ कि बच्चा बैठता नहीं है, टिकता नहीं है, सिर्फ दो ही मेडिसिन है, बहुत इजी टू डिफरेंशिएट। अगर हम इसका अदरवाइज और हाइपर एक्टिव मेडिसिन के साथ कंपैरिजन करते हैं, इन लैकेसिस का हायोसेमस भी बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा, बहुत इंक्विजिटिव। लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फियर डार्क बहुत होगा, फियर इंजर्ड बहुत होगा। नेक्स्ट टाइम हम जब करेंगे तो हम हायोसेमस के और सिट्रामोनियम के दोनों के बच्चों का कंपैरिजन करेंगे नेक्स्ट वेबिनार में कि ये किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमजद, एनी अदर क्वेश्चन? Undurable idea of marriage. मैं डीडी कर दीजिए। हाँ, फियर ऑफ, मुझे निकालने दो एक मिनट।
फियर मैरिज, ये रूबरी कहाँ चला गया? फियर के अंडर है जी मैम। मैडम ये रूबरी क्या फियर मैरिज अनड्यूरेबल मैरिज आइडिया जो है ना, ये रूबरी के ओके अनएंड्यूरेबल आइडिया। एक मिनट मुझे निकालने दो, फिर मैं अभी फियर मैरिज। अच्छा ये यहाँ पर भी मैरिज में है। मैरिज में तो मैरिज में नहीं, मैरिज के अंडर, मैरिज के अंडर है या वैसे फियर में भी है कि कई रेफर्टरीज में। हाँ मैरिज, आइडिया ऑफ मैरिज सीम्ड अनएंड्यूरेबल। जो एक मैरिज वाला और रूब्रिक है वो डिल्यूजन के अंडर है, शायद डिल्यूजन मैरिड ही इज और शी इज, वो और रूब्रिक है। तो दिस इज मैरिज टेबल। ये लोग जो वो होते हैं कि जो शादी नहीं करवाते, इनको लगता है कि जो हमारी शादी है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। ये रूब्रिक में डायरेक्ट मैंने तीन चार बार नहीं काफी बार इस्तेमाल किया है। आइडिया ऑफ मैरिज, जो शादी का जो आइडिया है जो दिमाग में है, सीन अनएंड्यूरेबल, मेरी मैरिज एंड्योर नहीं करेगी, चलेगी नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी। इसमें भी लेकेसिस है। एंड ऊपर एक इसके रूब्रिक है मैरिज ऑब्सेस्ड बाय द आइडिया ऑफ गर्ल्स आर सेक्सुअली मैरिज का ऑब्सेस्ड बाय द आइडिया ऑफ मैरिज, गर्ल्स आर सेक्सुअली एक्साइटेड एंड ऑब्सेस्ड के बस कब शादी हो, दे आर ऑब्सेस्ड के बस फटाफट अब शादी हो। उसमें भी है फोर मेडिसिन। ये अनएंड्यूरेबल जो आइडिया है कि मेरी मैरिज जो है, मेरी शादी जो है वो एंड्योर नहीं कर पाएगी, वो चल नहीं पाएगी, इसमें भी है एट मेडिसिन एंड लैकेसिस है। जो आपने शायद मैरिज वाला बोला, दूसरे वाला वो डिल्यूजन, अच्छा इसमें नहीं है लैकेसिस का, नहीं है मैरिज वाला, वो जर्नी वाला, ही इज ऑन जर्नी। Delusion charmed cannot break the spell and the delusion bewitched she has or he has. So did he cut the man? Delusion charmed. हाँ charm. वैसे मैंने bewitched वाला rubric कभी use नहीं किया। Delusion के अंदर है? Not delusion. किसी विच ने जो दूसरी गंदी वाली आत्माएं होती है उसने उसको उसके ऊपर कंट्रोल किया होता है। मुझे यहाँ लिख के बताइए क्योंकि मैं मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पे बीविच्ड वाला डिल्यूजन बीविच्ड रूब्रिक कौन सा है, मैं देखूँ एक मिनट। डिल्यूजन बीविच्ड है मैम, बी है वो तो मुझे पता है, रूब्रिक तो है ओके बीविच्ड ही इज। इसमें तो वो नहीं है, लैकेसिस नहीं है, इसका उन्होंने डीडी किया हुआ है चांद के साथ बीविच्ड। मुझे तो यही लगता है कि किसी भूत प्रेत ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, ये यहाँ तक है। लेकिन जो चार्म्ड वाला है उसमें भी किसी ने कब्जा किया हुआ है, वो भी उसके प्रभाव के नीचे है, लेकिन उसके साथ है he cannot break the spell, वो उस प्रभाव को तोड़ नहीं सकता। यहाँ पे अकेला है delusion bewitched he is, उसके ऊपर किसी ने जादू किया हुआ है, जादू टोना किया हुआ है, कोई काला जादू जो होता है वो किया हुआ है, बस यहाँ तक है। लेकिन जो दूसरा रूब्रिक है चार्म्ड वाला उसमें है ही कैन नॉट ब्रेक द स्पेल, वो उस जादू को वो उस चार्म को तोड़ नहीं सकता, उसमें लैकेसिस है। बीविश में लैकेसिस नहीं, आई थिंक दिस इज कंप्लीट नाउ।